अल्लाह, सुबह से लेके दोपहर तक हो गई, कोई भाड़ा तो भेज। ओ चचा बैठो ना। खाली है क्या? अस्सलाम वालेकुम, एक मीटिंग। थैंक यू। ये अल्लाह तेरा शुक्र है। कहाँ जाना है मैडम? सीधे चलो। सीधे कहाँ? सीधे सीधे तो ये रोड अहमदाबाद जाती है। अहमदाबाद जाऊँ क्या? अरे उसे अहमदाबाद जाने दो, तुम सीधे चलते रहो, जहाँ मैं बोलूंगी ना वहाँ रोक देना। माचिस है क्या? माचिस? माचिस क्यों? सिगरेट पीना है। आप सिगरेट पीती हैं? नहीं, अगरबत्ती जलाऊंगी। क्यों, तुम सिगरेट नहीं पीते क्या? मैं नहीं पीता और ना ऑटो रिक्शा में किसी को पीने देता हूँ, और खास करके किसी खातून को तो बिल्कुल नहीं। कोई अच्छा रोमांटिक हिंदी गाना बजाओ ना अपनी टेप में। टेप खराब है तो खुद गा लो। गला भी खराब है। ठीक है तो मैं ही गा लेती हूँ। तुमसे मिलना, बातें करना, चमेली सीधा चांदनी बार से आई है। आपकी शादी हो गई? नहीं। क्यों, कोई मिली नहीं या कोई जची नहीं? जिसे चाहता हूँ वो मिल नहीं रही, और जो मिल रही है वो अपने को जच नहीं रही। ठीक है ठीक है। अब लड़की के चाल चलन कैसे? चाल तो आजकल लड़की के अच्छे हैं, लेकिन जो चलन है वो बिल्कुल अपने बाप पे गए। मतलब? मतलब घमंडी है, सरफिरी है, पागल है, जैसा फैक्ट्री वैसा माल। हिंदी फिल्मों में जितने भी विलन है उन सबको जोड़ के एक मिक्सर में डाल दो, जो निकलेगा उसका बाप दिलदार भाई। लेकिन आप मेरे पे तरस मत खाइए, मैं शादी कर लूंगा, ऐसा कुंवारा मरने वालों में से नहीं। शादी तो मैं जरूर करूंगा। रशीद भाई जिंदाबाद। रशीद भाई से? अरे रशीद भाई से नहीं, रशीद भाई की बेटी से, उससे शादी करूंगा। चार टैक्सी भी है उसके पास। और मैडम जिंदगी भी कितने दिनों की होती है? चार दिनों की तो होती है। मियां बीवी खुश रहेंगे हम लोग, एक एक टैक्सी रोज चलावेंगे। रोको 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 रिक्शा रोको। रोको क्यों, अहमदाबाद आ गया क्या? धोखेबाज बेवफा, क्या इसी दिन के लिए दिल लगाया था तुमसे? रशीद भाई की बेटी से शादी करेगा तू? हैं, चार टैक्सी के लालच में क्या ईमान बदल लिया? यल्ला, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या कर रही हो? मैदान में लाके जलील कर रही हो? देखो सब लोग कैसे घूर रहे हैं, और वैसे भी पब्लिक ताड़ में रहती है कि ऑटो रिक्शा वाले को कब पीटे। ऐसे ही होना चाहिए, कब पीटे। और तुम भी तो कि ऑटो में आके बैठ गई, बोलो सीधे चलो, कहाँ से चलो? गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। चार दिन से कॉलेज की बार तुम्हारा वेट कर रही थी, क्यों नहीं आए मुझसे मिलने? आया था मैं, आया था। और तुम कैंटीन में रहती हो, गंदे गंदे बर्गर खाती हो। लो आ गई कराटे वाली बाई, समझाओ इसको। तू कॉलेज नहीं आ रही है? तुम लोग सड़क के बीच बहस क्यों कर रहे हो? किराए का प्रॉब्लम है क्या? इसे किराया नहीं दिया। अरे किराया तो पैसेंजर देता है। मैं ऑटो की नहीं, घर के किराए के बारे में बोल रही हूँ। अरे मेरे पास किराया है, लेकिन वो जो मेरे दोस्त नहीं है, अविनाश, और वो क्या नाम है उसका, महेश। हाँ वो, उसके पास किराया नहीं है, उसकी बात कर रही है। हाँ, हाँ, उन्हीं की तो बात कर रही हूँ ना मैं। छह महीने से तो उन लोग ने किराया नहीं दिया, तुम्हारे कहने से तो अब्बू ने उन लोग को रूम दिया है ना। कह देना उन फकीरों से कि टाइम पे किराया दे, नहीं तो रूम खाली करे। हाँ, चलो मेघना जाके बर्गर खाते। हाँ खा लो बर्गर, जब पिंपल्स निकलेंगे ना तब पता चलेगा। और किसी को फकीर मत बोला करो, वो मेरा दोस्त अविनाश एक दिन बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा फिल्मों में। अभी से ही कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लग गया वो। चल निकल यहाँ से। हट, कितने बार तेरे को धक्का मार के यहाँ से निकल दिया, फिर चलाता है। हीरो बनने का है, तेरा नाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने लिख कर दिया है, इस आदमी को अंदर नहीं घुसने देना, ये गले पड़ जाता है। चुप। एक चांस, सिर्फ एक चांस मिलना चाहिए मुझे, और मैं साबित कर दूंगा कि मैं भी एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ। उसके बाद मेरा काम खुद काम दिलाता जाएगा, काम से नाम होगा और मैं कुछ बन जाऊंगा, सितारों की तरह चमकूंगा। इसी गेट से मेरी कार अंदर आएगी और तुम मुझे झुककर सलाम करोगे, और उस वक्त तुम्हारे सलाम का जवाब मैं मुस्कुरा कर दूंगा, ये याद रखना। वाह, क्या बात है, इसे कहते हैं इंसान, समझे? आदमी वॉचमैन बन सकता है, प्रोड्यूसर बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है, हीरो भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, मगर इंसान बड़ी मुश्किल से बनता है दोस्त। अब मिला है तो सलाम कर और जाने दे अंदर। आइए, बेस्ट ऑफ लक। गुड। Good.
ए टैक्सी वाला, ए ड्राइवर, क्या कर रहा है? हटा जल्दी। पैसेंजर को उतरने दो, इधर रहने आया क्या? चलने का। अच्छा मैं पूछती हूँ, तू इन दोनों की मदद क्यों नहीं करता? खाना खा लूं? मैं कुछ नहीं जानती, तूने इन दोनों की मदद नहीं की ना तो आज से तेरा खाना पीना बंद। देख, तू दिलदार भाई के पास जा, हमारा 3 महीने का किराया भी देना है उन्हें, वो दिया और उन्हें कह कि ये दोनों नेक बच्चे हैं, आज नहीं तो कल पैसे दे देंगे, क्यों परेशान कर रहे हो उन्हें? छी, मैं इस मगले से शादी नहीं करूंगी, मुझे जो पसंद है मैं उसी से शादी करूंगी। हाँ। खामोश, बदतमीज, पसंद की बात करती है, मेरी बात को ठुकराने की तेरी अब्बू में हिम्मत नहीं है तो तू क्या चीज है? तू कान खोल कर सुन ले, कुछ दिनों में तू भाई से वो लड़का इधर आने वाला है, तूने उसे कुमाना है, अपना बनाना है, अपने साथ उसका निकाह करवाना है, बस कह दिया जो रज्जू ने कहना है। हाँ।